प्रिय मित्रों, सादर जय श्री कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे उन राशियों के बारे में जिनकी अधिकतर लव मैरिज होती है, प्रेम विवाह होता है, उनका प्रेम विवाह संभव रहता है। तो आज हम पूरे विस्तार से उन राशियों के बारे में जानेंगे कि उन 12 राशियों में से कौन सी वो 4 राशियां हैं जिनकी लव मैरिज होती है और होकर वो लव मैरिज सफल होती है। ऐसे तो लव मैरिज जैसे मान लो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सफल कितनी हुई सब इस बात के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि लव मैरिज होती तो है परंतु वो सफल हुई या नहीं हुई, वो इस चीज़ को ज़्यादा देखते हैं। तो आज हम उन राशियों के बारे में चर्चा करेंगे, उन 4 राशि वालों के बारे में जिनकी लव मैरिज बड़ी सफल होती है, उनकी बड़ी वजह क्या है। तो आइए चर्चा करते हैं इन राशियों में। तो पहली राशि है इसमें सिंह राशि। सिंह राशि के जातक या तो कभी किसी से रिश्ता बनाते नहीं हैं, और अगर एक बार रिश्ता किसी से भी जोड़ लेते हैं तो पूरे जीवन भर उस रिश्ते को निभाने की सोचते हैं, पूरे दिल दिमाग से दोनों से ये रिश्ता निभाते हैं। धोखा देना सिंह राशि वालों की फितरत में नहीं होता। ये जिससे रिश्ता जोड़ते हैं हमेशा उनके साथ में बने रहना चाहते हैं, तो कहते हैं कि इनकी लव मैरिज सफल होती है। दूसरी राशि इसमें हमारी लकी राशि है, वो है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को भी ये मान लो कि लव मैरिज के मामले में ये भी सफल होते हैं, जिससे भी ये लव मैरिज करते हैं, प्रेम विवाह करते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ये दोनों ही सफल होते हैं। मतलब बात ये है कि लव मैरिज होना और होकर उसके बाद सफल होना, ये बहानाओं में नहीं बहते हैं, अपने पूरे दिल से सोचते हैं, दिमाग से सोचते हैं, उसके बाद कोई फैसला लेते हैं। तो इनकी भी जो लव मैरिज है वो सफल होती है। अब हम चर्चा करेंगे तीसरी राशि के बारे में कि तीसरी राशि कौन सी है जिसकी लव मैरिज सफल होती है, प्रेम विवाह सफल होता है। तो वो तीसरी राशि है तुला राशि। तुला राशि के जो जातक होते हैं वो दयालु होते हैं, साथ ही साथ शांत स्वभाव के होते हैं, आवेश में आकर कोई फैसला नहीं लेते हैं, गुस्से में आकर कोई कार्य नहीं करते हैं, शादी विवाह के संजोग को लेकर हमेशा से ही शुरू से ही ये चिंतित रहते हैं और उसी हिसाब से उस फैसले पर रहते हैं और आगे भी बने रहते हैं। मतलब ये भी पूरे जीवन भर किसी का भी साथ नहीं छोड़ते हैं, हाथ नहीं छोड़ते हैं, ये इनकी फितरत में होता है तुला राशि वालों का। अब हम अंतिम राशि के बारे में बात करेंगे कि अंतिम राशि जो है वो कौन सी है जिनकी लव मैरिज जो है वो सफल होती है। हमारे पुराणों में भी इस बात का काफ़ी उल्लेख मिलता है कि लव जो प्रेम विवाह है वो सफल होता है। तो इसमें हमारी जो अंतिम राशि अब आ रही है वो है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के जितने भी जातक होते हैं इनकी भी जो प्रेम विवाह है वो सफल होता है, जिससे भी अपना प्रेम विवाह रचाते हैं। इनकी सबसे बड़ी खास बात ये होती है प्रेम विवाह के अंदर कि ये उस बात के ऊपर अड़े रहते हैं और अपने जीवन साथी को पूरा सहयोग करते हैं और हमेशा से उसके साथ में बने रहना चाहते हैं। मतलब धोखा देना इनकी फितरत में नहीं होता, ये किसी को छोड़कर नहीं जाते हैं, इनकी खास बात ये होती है। इसके अलावा आप हमारे चैनल को हेल्प और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो। अगर ज्योतिषाचार्य श्री श्री स्वामी से आप संपर्क करना चाहते हैं तो वीडियो स्क्रीन पर आप उनके मोबाइल नंबर देख रहे हैं, सीधे आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। हेल्प और सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं हैं, आपका हेल्प और सपोर्ट आप हमें ज़रूर करें। और इसके अलावा अगर आप ऐप भी पर श्री स्वामी जी को देखना चाहते हैं तो आप उन्हें ऐप भी पर उन्हें फॉलो कीजिए, उनका ऐप भी एड्रेस श्री स्वामी जी के नाम से है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा।